हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा, और आज जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म ने क्या कुछ मैसेज दिया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी की फिल्म दिल बेचारा इसी डायलॉग के साथ शुरू होती है, लेकिन कहानी शायद मौत के साथ खत्म नहीं होती। असल दुनिया में मौत के इर्द गिर्द क्या होता है वो हम सबने देखा है, लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म की कहानी मौत के दर्द से लेकर जिंदगी के बचे हुए लम्हों को दिल खोल कर जीने तक सब कुछ बयां करती है। सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी स्टारर फिल्म डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज होने के बाद ही उनके फैंस ने खुलकर इमोशंस बयां किए हैं। वहीं इस फिल्म में कास्टिंग डायरेक्शंस की दुनिया में बड़ा नाम मुकेश छाबरा ने डायरेक्शन किया है। वहीं अगर एक्ट्रेस संजना सांघी की इस फिल्म में बात करें तो अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करती नजर आ रही हैं, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर की यह आखिरी फिल्म साबित होगी। वहीं अगर कहानी की बात करें तो जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीना कैसे है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फिल्म दिल बेचारा की इस कहानी में मूल वाक्य के इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुनती है। ये फिल्म 2014 के आई हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन अवर स्टार्स का ऑफिशियल एडेप्टेशन है। कहानी जमशेदपुर में रहने वाली किजी वासु से शुरू होती है जो कैंसर की पेशेंट है। किजी अपने हर दिन घटती बोरिंग जिंदगी से काफ़ी शिकायतें रखती हैं। तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है मैनी यानी इमैनुअल राजकुमार जूनियर उर्फ मैनी की, यानी सुशांत सिंह राजपूत की। मैनी भी ऑस्ट्रियोसार्कोमो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उसके पास जिंदगी से शिकायत करने के लिए वक्त नहीं है। मैनी का एक पैर नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की उछाल हर किसी को दंग कर देती है। दिल बेचारा दो ऐसे लोगों के प्यार में पड़ने की कहानी है जो अपनी इस कहानी को अंत पहले जानते हैं, लेकिन फिर भी शायद यही इस बेचारे दिल की कहानी ने दर्शकों के तौर पर भी एक ऐसी फिल्म में लोगों को बांध कर रखा है जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं अगर इस फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो निर्देशन के तौर पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, और वहीं कहानी इस फिल्म को भी बयां करती है कि फर्स्ट हाफ में आप काफ़ी हंसते और मुस्कुराते हुए सफ़र तय कर लेते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में अचानक चीज़ें बदल जाती हैं। ये फिल्म इमोशनल तौर पर रोलर कोस्टर राइड साबित हो सकती है, क्योंकि ये जितना हंसाएगी उतना रुलाएगी भी। सुशांत सिंह मैनी किरदार में ज़बरदस्त नज़र आए हैं। अपने दोस्त के साथ मस्ती करते शख्स से लेकर रजनीकांत की फिल्म देखते हुए रोते तक सुशांत ने मैनी के किरदार के हर रंग को फिल्म में बखूबी दिखाया है। सुशांत जैसे एक्टर को खोना हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है। संजना सांघी की बात करें तो उनकी ये पहली फिल्म है जिसमें वह लीड किरदार निभाती हुई नजर आई हैं। वहीं संजना भी अपने किरदार में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। वहीं स्वास्तिक मुखर्जी किजी की माँ के किरदार में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो आप भी बताएं अपने रिव्यूज़ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह मूवी कैसी लगी। बाकी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस। नमस्कार।